ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शंस की। तो अब हम देखेंगे केमिकल एक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है ये होते क्या है। तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि वो रिएक्शन जिसमें स्पीड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पर रेट किसे कहते हैं, स्पीड को कहते हैं। हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और एक्स मतलब रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जिस रिएक्शन में इक्वल हो जाती है उस रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि जब ये दोनों कंपाउंड सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। तो वो कंडीशन जहां पे इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन की। हम लोग देखेंगे कि केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी हमारे पास कंडीशन होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है सिस्टम कैप, सिस्टम शुड बी क्लोज। तो जिस मतलब कि जिस बीकर में या जिस बीकर में हम लोग ये केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे वो रिएक्शन बीकर क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लोज होना चाहिए। तो जिस भी चीज में आप रिएक्शन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो वो सिस्टम लेट्स सपोज हम एक बॉक्स में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस बॉक्स में कोई भी चीज बाहर से एंटर भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज अंदर से बाहर मूव भी नहीं होनी चाहिए। मीन ये पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। पहली कंडीशन किसके लिए, केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम कैप कॉन्स्टेंट। मतलब कि आपने लेट्स सपोज यहां पे जब एक रिएक्शन स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते वक्त जितना आपने टेम्परेचर रखा, जितना आपने प्रेशर रखा, जितना आपने वॉल्यूम रखा स्टार्टिंग में, अब ये इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज यहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये सिस्टम किस में आ सकता है, एक्विलिब्रियम में। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आप चेंज करेंगे तो केमिकल एक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड हमारे पास कौन सी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्शन। मींस कि आपने जितने रिएक्टेंट स्टार्टिंग में इसमें ऐड किए हैं इस सिस्टम के अंदर, अब ना ही आप वो बाहर निकालेंगे ना ही आप कुछ ज्यादा एंटर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ये कि आप जब रिएक्टेंट्स आप उसमें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसी बीकर में प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो जाएगा, तो आप उस प्रोडक्ट्स को बाहर मूव नहीं करेंगे, मींस को उसके अंदर ही रहेगा। तो केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जिस सिस्टम में रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम कैप कॉन्स्टेंट। तो वो टेम्परेचर प्रेशर या वॉल्यूम जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया वो उतना ही रहना चाहिए, ना कम या ज्यादा होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैप कॉन्स्टेंट मीन्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की जो अमाउंट इसमें आपने रिएक्टेंट यूज किए हैं उसकी अमाउंट आप आपको आपने चेंज नहीं करनी। अब आप इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अब आप उसको यहां से बाहर मूव नहीं करवा सकते, या प्रोडक्ट्स को आप बाहर से वाटर इसमें बन रहा है ना ही आप बाहर से अपने पास से वाटर इसमें ऐड करवा सकते हैं और ना ही अंदर बनी हुई वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स के सिस्टम में जब कोई भी चीज आप बाहर या इन या आउट मूव नहीं कर सकते। ये तो उसके लिए थी कंडीशन। अब हम यहां पर बात करते हैं हु वी कैन determine the equilibrium reaction। बच्चे हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन जो वो एक्विलिब्रियम रिएक्शन है या इंक में, मतलब हमने भी पीछे बात की थी केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है ना, तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकल एक्विलिब्रियम वाला या कोई दूसरा रिएक्शन है। तो कहता है कि हमें ये पता लगाने के लिए कि रिएक्शन जो है वो केमिकल एक्विलिब्रियम है या नहीं, हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स हम यूज करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स हम यूज करते हैं। फिजिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, रिएक्शन का कलर, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट चीजें इसके कलर्स वगैरह को हम मोस्टली डिटेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं ये पता चलाने के लिए कि रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। उसमें हम लोग यूज करते हैं टाइट्रेशन,
टाइट्रेशन आप कलर की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने रिएक्टेंस बाकी रह गए और कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास बन चुके हुए हैं। इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, कितने रिएक्टेंट्स यूज हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्निक्स होती हैं, तो इन टेक्निक्स को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम मौजूद है या नहीं, मीन्स एक रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है या हमारे पास क्या है, कम्प्लीट रिएक्शन है। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को लेके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि एस मतलब सल्फर, ऑक्सीजन कितने है, टू ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सल्फर डाई मीन टू ऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। जब ये हमारे पास रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। तो अब एक ओ जब एक SO2 के पास जाएगा हमारे पास बन जाएगा SO3। तो अब यहां पे देखिए एक SO2 एक ओ से मिला, तो एक ओ बच गया ना, हम पीछे 2 लगा देंगे, इससे हमारे पास SO2 के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो हर मॉलिक्यूल एक ओ लेगा, कितने SO3 बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। ये तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब हमने इसका नाम क्या होगा, सल्फर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे, हमने पीछे बोला है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तब अब यहाँ पे बात करेंगे जो हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो बच्चों इसके लिए हमारे पास कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, V2O5। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो बच्चे कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो अब हमारे पास इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो क्या है, V2O5। और यहां पे हम लोग जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो हम कितना यूज कर रहे हैं, 450 सेल्सियस। और जो एटमोस्फेयर प्रेशर है वो कितना हमारे पास, 200 एटमोस्फेयर प्रेशर यूज करेंगे। अगर आप ये कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, अदरवाइज ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस और हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है NH3। अब ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अब आपने इन दोनों के नंबरिंग को बैलेंस करना है, तो यहां पे देखिए 2N है, यहां पे कितने N है, 1, पीछे हमने 2 लगा दिया, N क्या हो गए, इक्वल। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 = 6, यहां पे कितने 2, पीछे हमने लगा दिया 3, ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। बैलेंस रिएक्शन मतलब जिसमें हम लोग एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स एटम्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं उतने हमने राइट साइड पे भी क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। अब यहाँ कंडीशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है उसमें हमारे पास जो ये क्या नाम है, टेम्परेचर है वो कितना हमारे पास, 400 सेल्सियस हम यूज करेंगे। प्रेशर हम यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 200 एटीएम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे आयरन, Fe किसे कहते हैं, आयरन को। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट यूज होगा। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में इसकी मेरे पास अमाउंट कितनी थी, 5, इसकी अमाउंट कितनी थी, 5। अब जब भी काम, इसकी अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी थी, 0, जब ये 2.5 रह गई, ये भी 2.5 रह गई, ये कितना हो गया, 5। जब इधर की अमाउंट 5 है, यहां भी क्या, 5, तो यहां पे क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग में अमाउंट 5, यहां पे क्या है, 0, अगर ये 2.5 हो, ये 2.5 हो जाते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 5। तो अमाउंट क्या हो चुकी है, यहां पे इक्वल हो चुकी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों तरफ जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो वहां पे क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमारे पास थी एग्जांपल विद कंडीशन। तो आपने जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देनी है तो आप हमेशा वो एग्जांपल देंगे जिसके साथ आप साथ मेंशन करेंगे कंडीशन को। अगर आप कंडीशन मेंशन नहीं करते हो, सिर्फ एरो लगा देते हैं, तो आपकी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्यों, कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पे मेंशन नहीं की होगी। अब हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ग्राफ। अभी आपने क्या फाइंड करने हैं, ग्राफ।
अब आपने अपने इन रिएक्शंस को ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बच्चे जैसे कि आप जानते हैं कि आप मैथ में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस इस रिएक्शन में, और इस एक्शन में हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। तो बच्चे होता क्या है कि हम ग्राफ किसके दरमियान फाइंड करते हैं, हम ग्राफ फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन, इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं कंसंट्रेशन लेते हैं इस तरफ हम लोग, और इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं रिएक्शन रिएक्शन लेते हैं। आप देखें यहां पे कंसंट्रेशन इस तरफ आएगी, रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा इस तरफ आएगा। अब आप लोग मुझे बताएं अगर हम इस रिएक्शन को लेके चलते हैं तो ये हमारे पास रिएक्टेंट से, ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट से, तो अब यहां पे हमारे पास होता है जीरो, मीन जब हम इस रिएक्शन में मूव करेंगे कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होगी, तो जब इस रिएक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या रिएक्शन कंप्लीट की तरफ जा रहा है। तो अब देखें यहां पे रिएक्टेंट की अमाउंट पहले स्टेप पे क्या है स्टार्ट, जब रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स की हमारे पास कुछ अमाउंट होती है, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग अमाउंट क्या होती है जीरो होती है। तब हम क्या करेंगे रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ अमाउंट होती है ना। अब यहां पे देखिए कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं वन मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं टू मॉलिक्यूल्स, मीन्स कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखे जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स कम है इसके मॉलिक्यूल्स क्या है ज्यादा, बेसिक दोनों रिएक्टेंट्स हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या है डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे एक रिएक्टेंट को अबव से शुरू करेंगे और एक रिएक्टेंट को थोड़ा सा लो से शुरू करेंगे। अब देखें ग्राफ अप से डाउन आया और आपके हमारे पास क्या हो गया यहां पे स्ट्रेट हो गया, ये क्या हुआ बच्चे यहां पे देखें अगर मैं कहता हूं कि इस जगह पे मेरे पास कौन सा रिएक्टेंट मौजूद था SO2 और इस जगह पे कौन सा रिएक्टेंट मौजूद था ऑक्सीजन। अब SO2 की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज स्टार्टिंग में इतनी थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी थी इतनी, क्यों कि ऑक्सीजन कम है और सल्फर SO2 की है ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को हमेशा अप से मार्क करेंगे और लो वाले को हमेशा लो से मार्क करेंगे। अब देखें पहले की कंसंट्रेशन कितनी थी 5 5, अब क्या होगी दोनों की कम हो गई है, तो ये ग्राफ यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है कम हो रही है। तो जब ये लेट्स सपोज यहां पे 5 5 थे तो अब यहां पे क्या हो गया 2.5 और 2.5, जब इनकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे स्ट्रेट हो जाएंगे। ये स्ट्रेट यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पे क्या एस्टैब्लिश हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग में जीरो था, अब उसकी अमाउंट कितनी हो गई है 5 हो गई है, तो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास नीचे से अबव जाएगा। नीचे से अबव क्यों जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी अमाउंट कितनी होती है जीरो होती है, जब स्टार्टिंग में उसकी अमाउंट जीरो थी तो वो जीरो से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में इनकी कोई ना कोई वैल्यू थी इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि जीरो से अबव से स्टार्ट होंगे। अब जब यहां पे ये जीरो से अप गया अब इसकी अमाउंट यहां पे कितनी हो गई है 5 हो गई है, ये दोनों मिला के 5 और ये अकेला कितना हो गया 5, तो लाइन तीनों की स्ट्रेट हो गई है। जब तीनों लाइन स्ट्रेट हो जाएगी तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो कंडीशन जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोबारा रिवाइज करता हूं कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है कम होती है, स्टार्टिंग में इनकी कोई ना कोई अमाउंट होती है, तो हम इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पे हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इसे कहीं ना कहीं अबव से स्टार्ट करेंगे। अब अबव से किसको स्टार्ट करेंगे, अब ये रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल, इसे कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल वाला हमेशा अप से स्टार्ट होगा लो और 1 मॉलिक्यूल हमेशा लो से स्टार्ट होगा। जब इनकी एक क्या नाम है स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा स्टार्टिंग में जीरो होते हैं बाद में क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट जो है हमारे पास रिएक्टेंट की लाइन को क्रॉस करेंगे तो थोड़ा ही ट्रेवल करने के बाद वो भी क्या हो जाएंगे स्ट्रेट हो जाएंगे, क्यों कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही होगी कि यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। तो ठीक है बच्चों अभी हम इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या देखेंगे अगर हम उसके लिए ड्रॉ करते हैं तो यहां पे देखिए हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से ये वाले प्रोडक्ट कौन से ये वाले, तो इस तरफ हमारे पास क्या पाई जाती है कंसंट्रेशन पाई जाती है और इस एक्स में हमारे पास क्या पाया जाता है रिएक्शन पाया जाता है। अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट्स हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंट्स को, अब ये भी रिएक्टेंट्स है ये भी रिएक्टेंट्स है, तो किसके मॉलिक्यूल ज्यादा है इसके मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है ज्यादा है, तो हम इसको हमेशा कहां से ड्रॉ करेंगे अप साइड से ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा। अब जब इसकी बात करेंगे इसको हम थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रेट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स हमेशा हमारे पास कहां से स्टार्ट होंगे लोअर से स्टार्ट होंगे
आप मुंह पर एक उसके बाद क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे। तो वो कंडीशन जहां पे तीनों आपस में, तीनों लाइंस आपस में क्या जाती हैं, स्टेट हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। ये हमारे पास क्या था H2 के लिए, ये हमारे पास क्या था N2 के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए था NH3 के लिए। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। तो केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए आपने हमेशा वो पेज ड्रा करनी है जिसमें हमारे पास कंडीशन अवेलेबल हो। उसके बाद अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो आप इसके ग्राफ से केमिकल एक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पे देखें, जब SO2 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती है। अब जब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो हमारे पास दूसरी साइड पे क्या बनता जा रहा है, SO3 मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, सॉरी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास हो गया, जिसमें हमारे पास क्या है, ये चीजें दोनों चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती जा रही है, SO2 बनाती बनाती जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास SO3 की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है। तो एक कंडीशन आएगी जहां पे हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एक्विलिब्रियम बोलेंगे।